हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास 31 टेक। तो फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि यूट्यूब पर नए नए अपडेट आते रहते हैं, और अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो आपको यूट्यूब की तरफ से एक इस तरीके का मेल आपको ज़रूर आया होगा आपकी जीमेल आईडी पे, जिससे आपका यूट्यूब चैनल कनेक्ट है, जिस जीमेल आईडी से आपने अपना यूट्यूब चैनल बनाया है उस पर आपको ये मेल देखने को मिला होगा। और अगर अभी तक आपने इस मेल को नहीं देखा है तो आपको ये मेल ज़रूर देखना चाहिए। अगर आप अपने चैनल को सिक्योर करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका चैनल हैक ना हो, कोई आपके चैनल को हैक ना कर सके, तो आपको इस मेल को ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर 6 वायरल सेटिंग्स के बारे में यूट्यूब ने बताया है जो आपको अपने चैनल के ऊपर ज़रूर करनी चाहिए। और आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में इन सेटिंग्स के बारे में बताने वाला हूँ, और आपको ये जो सेटिंग्स हैं वो अपने चैनल के अंदर ज़रूर करनी चाहिए। ये भी आपको मैं इस वीडियो में अच्छे से बताऊँगा कि इसके करने से आपके चैनल में कैसे ग्रोथ होगी और आपका चैनल कैसे सिक्योर रहेगा। तो वीडियो छोटी सी है पर काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके उसे ऑल पे सेट कर लें, जिससे आपको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। आप देख सकते हैं मैंने उस मेल को यहाँ पे अलग से एक वर्ड फाइल के अंदर निकाल लिया आपको समझाने के लिए। तो इस तरीके का मेल आपको मिला होगा, 6 सिंपल स्टेप्स टू इंक्रीज योर अकाउंट सिक्योरिटी। अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो आपको ये वाला मेल मिला होगा यूट्यूब की तरफ से। ये जो अपडेट है इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसमें इन्होंने 6 स्टेप्स बताए हैं आपके अकाउंट की सिक्योरिटी को इंक्रीज करने के लिए। मैं नीचे आ जाता हूँ और वो 6 के 6 स्टेप्स आपको डिटेल में समझाऊंगा, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका अकाउंट सेफ करने में आपको हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले है टर्न ऑन सेफ ब्राउजिंग इनहेंस्ड प्रोटेक्शन व्हेन ब्राउजिंग विद गूगल क्रोम। तो आपकी जो ये सेफ ब्राउजिंग वाली, जिस भी ब्राउजर को आप यूज करते हैं, अगर आप लैपटॉप पे यूज करते हैं या फोन में भी क्रोम ब्राउजर यूज करते हैं, तो उसमें जो सिक्योरिटी है, जो उसकी सेफ ब्राउजिंग आप करें, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आगे लिखा हुआ है दिस विल सेंड यू अलर्ट्स अबाउट मालवेयर रिस्की एक्सटेंशन फिशिंग और पोटेंशियली अनसेफ साइट्स। मतलब आप जो यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी आपके रिस्की एक्सटेंशंस होती हैं उन पे आप क्लिक ना करें, जैसे चलते चलते बीच में ऐड आ जाती है, उन तरह के मालवेयर्स पे अनसेफ साइट्स पे आपको क्लिक नहीं करना है। अगर आप उस पर क्लिक कर देंगे तो आपका जो अकाउंट है वो हैक होने की संभावना होती है, इसलिए आपको किसी भी अनवांटेड या अनसेफ साइट के ऊपर क्लिक बिल्कुल भी नहीं करना है। दूसरा पॉइंट है सिक्योर योर अकाउंट, अवॉइड इंस्टॉलिंग अननोन एप्स फ्रॉम अननोन रिसोर्सेज। मतलब आपको कोई भी, अगर आप फोन से यूज करते हैं तो आपको फोन के अंदर भी कोई भी ऐप इंस्टॉल नहीं करनी जो अननोन रिसोर्स से हो। मतलब प्ले स्टोर के अलावा अगर कहीं और से आपकी ऐप आती है, जो जैसे आप लिंक पे क्लिक करते हैं, कोई आपको लिंक भेजता है ऐप इंस्टॉल करने के लिए, और उस लिंक पे आप जब क्लिक करते हैं तो वो आपको गूगल पे ले जाता है और वहां से वो अननोन रिसोर्स से वो ऐप इंस्टॉल होती है, उस तरह की ऐप आपको अपने फोन के अंदर इंस्टॉल नहीं करनी। आप ध्यान रखें कि आप प्ले स्टोर से ही किसी ऐप को, अगर आपको डालनी है तो प्ले स्टोर से ही अपने फोन के अंदर इंस्टॉल करें, ठीक है, जिससे आपका अकाउंट सिक्योर रह सके। तीसरा जो पॉइंट है वो है, जो इसकी सेटिंग है वो है क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एंड डोंट शेयर। आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करना है, मतलब आपको ऐसा पासवर्ड बनाना है जिसमें अपर केस लोअर केस लेटर्स नंबर सिंबल सब कुछ आए, और बड़ा और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना है जिससे हैक करने में किसी को दिक्कत हो, ठीक है, मतलब कोई आपके जो भी अकाउंट है उसको आसानी से हैक ना कर पाए, इसलिए आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है। तो ये सेटिंग भी आपको जरूर करनी है। नंबर 4 पे है सेट चैनल लेवल परमिशंस। अब ये चैनल लेवल परमिशंस को अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूं। जैसे आप अपने चैनल को किसी और को देते हैं, आपके चैनल में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आप अपने चैनल को किसी और को चेक करने के लिए देते हैं, तो वहां पे आप चैनल लेवल परमिशंस का यूज करते हैं सेटिंग के अंदर, और उसमें आप अपना आईडी पासवर्ड उसे दे देते हैं, तो वो जो पासवर्ड आप दें वो करेक्ट देना है आपको, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है गलत पासवर्ड या मैस नहीं देना उसको, ठीक है, जो भी आपके चैनल को एक्सेस करे तो उस पर सही पासवर्ड रहना चाहिए, या आप अपना पासवर्ड चेंज कर देते हैं तो वो भी उसे दे देना है, बता देना है, जिससे आप अपना चैनल चेक करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये सेटिंग भी आपको जरूर करनी चाहिए। अगर आप अपनी चैनल लेवल परमिशंस को ऑन रखेंगे तो आपको जिससे भी आप चेक करवाते हैं अपना चैनल उसको कोई दिक्कत नहीं होगी आपके चैनल को एक्सेस करने में।
ठीक है। नंबर 5 पे है इनेबल टू स्टेप वेरिफिकेशन, ये तो आपको करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये तो आपको पता भी है, मोनेटाइजेशन से पहले ही आपको टू स्टेप वेरिफिकेशन करना जरूरी है। इससे आपका सबसे बड़ा फायदा ये है, एक तो आप पासवर्ड से आपका अकाउंट जो YouTube का अकाउंट है वो सिक्योर हो जाता है, और दूसरा आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाता है, तो आपके मोबाइल में भी वो सिक्योर हो जाता है। तो ये आपके दोनों तरीके से सिक्योर हो जाता है, आपका अकाउंट बिल्कुल सेफ रहता है, ठीक है। नंबर 6 पे है इफ यू आर ए मोनेटाइजिंग पार्टनर रिव्यू आवर दिस आर्टिकल सिक्योर योर अकाउंट, ठीक है। अगर आप मोनेटाइजेशन के पार्टनर में है, मतलब आपका जो चैनल है वो मोनेटाइज हो चुका है, तो आप इस वाले लिंक पे क्लिक करके और इसके बारे में जान सकते हैं, आर्टिकल पूरा पढ़ सकते हैं, ठीक है, एडसेंस के बारे में। तो इस तरीके से आप इन 6 वायरल सेटिंग्स को अपने फोन के अंदर या फिर आप अपने लैपटॉप के अंदर जरूर करें, जिससे आपको अपना चैनल चलाने में कोई भी दिक्कत ना आए। तो ये वो सारी सेटिंग्स थी, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। तो फ्रेंड्स, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और क्या आपने ये सेटिंग्स पहले से कर रखी हैं, और अगर नहीं कर रखी हैं तो जल्दी से जाके इन सेटिंग्स को कर लीजिए, जिससे आपका चैनल सिक्योर हो और आपका चैनल हैक ना हो पाए। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है तो वो भी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।